powered by Techno. नमस्कार, सुप्रभात। सोमवार की सुबह है, क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि इस हफ्ते फेड की बैठक होने वाली है। फेड बैठक का फैसला आएगा बुधवार को, जिसके ऊपर गुरुवार को हमारे मार्केट्स रिएक्ट करने वाले हैं। बीता हफ्ता अगर हम देखें तो मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्टिविटी वाला था, क्योंकि गुरुवार को हमने एक्सपायरी के दिन नया रिकॉर्ड हाई छुआ था और उसके बाद शुक्रवार को बाजार थोड़ा सा थमता हुआ दिखा था। तो ये हफ्ता बाजार के लिए कितना एक्शन पैक्ड रहने वाला है, इस हफ्ते में आपको कैसे रणनीति बनानी है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स पे फोकस करना है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टीम शो। थैंक यू। तो सर, बीता हफ्ता अगर हम देखें तो वैसे तो मार्केट्स के लिए हमने गेन ही बनते हुए देखे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम फ्राइडे की बात करें तो जो वीकली एक्सपायरी के दिन हमने रिकॉर्ड हाई बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा बाजार थमते हुए नजर आए। जहां पे शुक्रवार को ओपनिंग हुई वहीं पे टॉप बनता हुआ दिखा, और उसके बाद निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो ज़्यादातर समय हमने लाल निशान के साथ ही यहाँ पे बाजार में गवाया भी है, बिताया भी है। निफ्टी 32 अंक, सेंसेक्स 72 अंक गिरकर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने देखा आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। करीब करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। खुलते ही निफ्टी ने 25,430 के आसपास हाई बनाया, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। तो मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया विक्स में भी 5% के आसपास ही गिरावट होती हुई दिखी है। ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत अहम है सर, फेड की बैठक होने वाली है, तो इससे पहले कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि पिछले हफ्ते एफआईआईज ने जमकर खरीदारी करी है इंडियन मार्केट्स में? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज की अगर आप देखें सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो पिछली बार भी हम जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में जो सेटअप्स हैं और जो रिकवरी है या फिर आप कह लें जो रिजिलियंस है, मुझे लगता है कि निफ्टी के बनस्पत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जरूर बात है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी थोड़ा दूर है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो सेटअप्स हैं टेक्निकल्स के, वो जो है मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है इस हफ्ते, और उसमें से अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव कमेंट्री या पॉजिटिव या रेट कट की बात कर रहे हैं, और यूएस में जब कभी भी रेट कट या कहते हैं कि रेट अप होते हैं तो एक सीरीज होती है वो पूरी सीरीज, क्योंकि जब उनका टेक होता है इंटरेस्ट रेट पे या इकोनॉमी पे तो वो सैक्रोसेंट उसी डायरेक्शन में होते हैं, और अगर रेट कट हुए तो लॉन्गर टर्म में और रेट कट होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम जाएगी, तो ये तमाम चीजें होंगी जो शायद बैंक के लिए अच्छा होगा, इवन फॉर द मार्केट भी अच्छा होने का है। निफ्टी जिस तरह से लास्ट वीक में क्लोज हुई है थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज एक दिन के अंदर में अगर आप देखें तो कई ट्रेडिंग सेशन को एनगल्फ कर लिया था एक कैंडल ने केवल, और उसके बाद जो है लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक्टिविटी थोड़ी थमती हुई दिखी है, डबल टॉप फॉर्मेशन के पास जाकर मार्केट रुका है, थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, बट लेकिन गिवन द काइंड ऑफ सेटअप्स इन बैंक निफ्टी देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कह दें कि उत्साह देता है, और वहां पर दिखता है कि एटलीस्ट आने वाले दिनों में 53,000 शायद ऑन द एनुअल है, हम उसके आसपास हैं या उसके भी ऊपर जा सकते हैं, तो इस तरह के संकेत कुछ टेक्निकल्स पे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन कहने की मैक्रो जो फैक्टर्स होंगे वो देखने लायक होंगे, और किस तरह से फेड जो रहता है नीति नियामक चीजें करता है और उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सर, अगर मैं सही समझ पाया तो आपने कहा कि 53,000 का लेवल इस हफ्ते बैंक निफ्टी छू सकता है या चेज कर सकता है? डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि सेटअप्स काफी अच्छे हैं, डाउन ट्रेंड को डिफाई किया है, अब जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप हुए हैं, तो तमाम चीजें जो कि टेक्निकल सेटअप्स पे आती हैं वो वहां पर लग रहा है कि ये शायद यहां से भी बढ़ सकता है। सर, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब तो इनफैक्ट दे ही दिया, मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा जैसा हमने शुक्रवार को देखा भी था, उसका जवाब तो आपने दे ही दिया है, लेकिन कुछ बैंकों की बात कर लेते हैं जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। बंधन बैंक हालांकि बैंक निफ्टी से बाहर होने वाला है, शुक्रवार को आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला 5% के आसपास की गेंस से। PNB, फेडरल, इंडसइंड, एक्सिस, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी की मजबूती में शुक्रवार को कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ भी रहे थे। कौन से बैंक्स हैं सर जहां पे आपकी नज़र है जो कि फेड का जो रेट कट आने वाला है जो कि गिवन ही है, अब सिर्फ इस बात को लेकर डिबेट है कि क्या 25 बेसिस पॉइंट आएगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट,
कौन से बैंक्स आपको पसंद है सर? देखिए वैल्यूएशन, जैसे आपने कहा कि बंधन बैंक के वैल्यूएशन दिखते हैं सस्ते, लेकिन कुछ अभी भी जो है, चूंकि एक एनबीएफसी का कह मतलब कह लें कि पेडिग्री रही है इनकी, माइक्रो फाइनेंस में रहे हैं, और वहां से कुछ चीजें दिक्कतें अभी भी हैं। और डेफिनेटली अगर आप वैल्यूएशन पे देखोगे तो सस्ता दिखता है, बट लेकिन जो दिक्कतें हैं उसके कारण मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर दो बैंकें हैं जो कि प्राइवेट बैंक में अगर आप देखें, HDFC बैंक मुझे काफी पसंद है और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है। केवल शॉर्ट टर्म में जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का जो के कारण जो है इसमें कह लें कि थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में ब्रिक्स एंड मॉर्टर मॉडल जिसे कहते हैं कि बैंक ब्रांच एक्सपेंशन करेगी और बिजनेस एक्सपेंशन होंगे, डिपॉजिट्स आएगी, क्योंकि मर्जर के कारण बहुत सारे डिपॉजिट्स जो HDFC में थी वो निकल गई है, जिसके कारण कि ये फेस कर रहा प्रॉब्लम। अदरवाइज वैल्यूएशन कंफर्ट है, ग्रो कर रही है बैंक जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक में है, और इतने बड़े एसेट पे 20% के आसपास ग्रोथ हो रही है, और कहने की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। तो तमाम चीजों के कारण मुझे लगता है कि ये बैंक अच्छी करनी चाहिए। दूसरी कोटक बैंक है जहाँ पर मेरी नजर होगी, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस, कई तरह के बिजनेसेस अपने जो है कहने की समेटे हुए है अपने आप में, आप ब्रोकिंग का कह लें या फिर इंश्योरेंस का कह लें, बहुत तरह के बिजनेस इनके अंदर हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैनेजमेंट जो की मैनेजमेंट पर्सन हैं इनके, जो CEO हैं वो नए आए हैं, आई थिंक वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये दो बैंकिंग देखनी चाहिए आपको। चलिए, ये तो बात हो गई बैंकों की और ओवरऑल मार्केट्स की, लेकिन अगर आप सेक्टोरल रुझान देखें शुक्रवार का, तो उसमें रियलिटी एक बार फिर से लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। मीडिया, PSU बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, इनमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। जहां प्रॉफिट बुकिंग दिखी वो था FMCG, साथ ही एनर्जी, PSU यानी कि सरकारी शेयर, और तेल, गैस और इंफ्रा इंडेक्स, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। विप्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और लूजर्स की बात करें तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ और अदानी पोर्ट्स, ये निफ्टी को नीचे खींचने का काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो सर, ये जो रियल्टी में दोबारा से तेज़ी शुरू हुई है और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेज़ी लगातार जारी है, ये जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसिस में या फिर FMCG, कल शुक्रवार को पिछड़ गया, लेकिन वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे, तो रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये जो तेज़ी हो रही है, उसमें कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो, जहाँ पे खरीदारी अभी भी कर सकते हैं? देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीजों में काफी बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आप देखोगे कि मेटल के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस इन तमाम चीजों को काफी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड से आप प्लास्टिक बनते हैं, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है उसमें काफी ज्यादा प्लास्टिक्स के यूज होते हैं और मेटल्स के यूज होते हैं, और चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो है बुलिश नहीं है, कहीं भी आपको इतनी बुलिश सिनेरियो दिखती नहीं है, जिसके कारण कि हमने देखा कि मेटल पैक और एनर्जी पैक ये चीजें काफी नीचे की तरफ है या सबड्यूड हैं इनकी परफॉर्मेंस तो, और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल इनके यूजर इंडस्ट्री के रूप में है, तो इनको उस चीज का बेनिफिट है और मार्केट इस चीज को काफी दिनों से रिकग्नाइज करके देख रहा है और बढ़ रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए ब्लू स्टार, वोल्टास, बट दे हैव ऑलरेडी मतलब बेंट ऑन, मतलब बहुत बड़ी गेन ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर तो नहीं, लेकिन हाँ चूंकि गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज रहने वाली है तो करेक्शंस में जरूर आप उनको ध्यान दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ब्लू स्टार वोल्टास आप कह रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको काफी पसंद नजर आ रहे हैं। PSU स्टॉक्स में हमने देखा सर, एक बड़ी रैली देखने को मिली, बजट के बाद गिरावट आई, फिर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली, और फिर हायर लेवल से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो PSU स्टॉक्स में चाहे वो PFC, REC हुए, जहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं ब्रोकर के, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहे हैं। कोल इंडिया हुआ, NHPC हुआ, बाकी तमाम स्टॉक्स जो PSU स्पेस में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे हैं, BHEL, BEL हुए, इनमें क्या राय होगी सर आपकी? देखिए मतलब आपको काफी, क्योंकि PSU में काफी बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो जहां पर रैली काफी ज्यादा आ चुकी है वहां से थोड़ा सा जो है आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है, और ये करेक्शन को आपको यूटिलाइज करना चाहिए कि उस जगह आपने जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन भी कंपनियों के नाम लिए हैं मोस्ट ऑफ, मतलब आप एनर्जी सेक्टर की तरफ अगर आप देखें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में रिन्यूएबल स्पेस में, PFC, REC डेफिनेटली काफी चल चुके हैं, और मुझे लगता है कि वहां पर करेक्शन काफी दिनों से ड्यू था और वो कह लें कि करेक्शन अभी आया है, तो
तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसको स्पैक को अवॉइड करें, लेकिन जो वास्तव में यूटिलिटी कंपनीज हैं जहां पर कि काफी अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे लगता है कि वहां पर ध्यान रखना चाहिए। एसजेवीएन है, एनएसपीसी भी थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्यों? लेकिन एसजेवीएन में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज है, 10 टाइम्स अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं 2030 तक, और 2025 फाइनेंशियल ईयर एंड तक डबल अपनी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखती है। लेकिन आपको चुनिंदा शहरों में जहां पर अपॉर्चुनिटी हो, वैल्यूएशन रिजनेबल हो, पीएसयू पैक में ही अगर आप देख लें, डिफेंस हो या रेलवे हो, सब जगह आपको सैक्रोसेंकली ना देखें, देखें कि वैल्यूएशन कैसे हैं, प्लस आप देखें कि क्या अपॉर्चुनिटी साइज होगी आने वाले टाइम पे, तब जाकर आपको उन शेयरों में ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ही कम है पैक में, हेल की जैसे आपने बात की, काफी दिनों से मैं देखता हूँ कि इसके ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो इफिशियंट नहीं है मॉडल बहुत ज्यादा, जिसके कारण की परकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू दी बॉटम लाइन जो है वो काफी कम होता है, इस कारण मैं उसे अवॉइड करता हूँ। लेकिन बीएल वहीं पर काफी एफिशिएंट कंपनी है, अगर आप बीएल के नाम को हटा दें, इनके नंबर्स को देखेंगे तो लगता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इनके नंबर्स ऐसे हैं, इनके इतने एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी भी काफी है आने वाले दिनों में, जिस तरह से पावर में, सॉरी कह लें कि जो भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, और उसमें हम देखने के बराबर ऑर्डर बुक्स बढ़ती जा रही हैं कंपनियों की, तो वहां पर आपको जरूर अपॉर्चुन हो के निचले स्तरों पर देखना चाहिए। चलिए ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स की बातचीत कर लें जहाँ पे सही में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था शुक्रवार के सेशन में। 1600 से ज़्यादा शेयर एनएसई पर हमने देखा चढ़कर बंद होते हुए दिखे, और 900 शेयर ऐसे थे लगभग जहाँ पे हमने गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। मिड कैप इंडेक्स करीब 400 अंक और 150 अंकों के आसपास की मजबूती लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स भी शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखा, और दोनों इंडाइसिस ने अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 57,000 के पार निकला, और इसी तरह 60,000 का लेवल पहली बार निफ्टी मिड 100, जिसे हम मिड कैप इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसमें भी पार होता हुआ नजर आया। तो बाजार जरूर थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया, ब्रॉडर जो मेन फ्रंटलाइन इंडाइसिस हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी देखने को मिली थी। और कुछ आउटलाइनर्स, कुछ आउट परफॉर्मर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गॉडफ्रे फिलिप्स पूरे हफ्ते ही काफ़ी एक्टिव रहा है, इसके अलावा जुबलेंट फार्मोवा जिसे हम जुबलेंट लाइफ के नाम से जानते थे, ग्रेविटा टेक, टाइम टेक्नोप्लास, कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है हर दिन। सर कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से, जहाँ पे अभी भी एक्शन बन सकता है? देखिए, गॉडफ्रे फिलिप अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से, जैसे आपने बताया कि इसमें 4,000 रुपये से लगातार स्टॉक में तेजी आ चुकी है, और वैल्यूएशन भी अब थोड़े से हायर लेवल पे जा चुके हैं, तो जितने भी नाम लिए मुझे तो, क्योंकि जब स्टॉक चल जाता है तो मैं ज्यादा उनको देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि कह लें कि कैपेक्स हैं या मैनेजमेंट जो है काफी बड़ी चीजें देख रहा है, आपको उधर देखनी चाहिए। और हमने आपसे कई बार डिस्कस कर चुके, जब भी आपने एसजेवीएन के बारे में बात की, वो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उस तरह के जो शेयर्स हैं, आपको स्टार सीमेंट है, छोटे शेयर्स हैं ये, 8-9 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी होती है, तो उस जगह देखना चाहिए। नवीन फ्लोरिन है, एसआरएफ है, ये तमाम कंपनियां हैं जहाँ पर की आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस चीज को देखना चाहिए। बड़े में आप देख लें, नेस्ले है, काफी बड़ा जो है उद्यम है कंपनी का, कि बहुत बड़ा जो है केपेक्स है इनका, लाइफ टाइम में हाईएस्ट केपेक्स की तरफ जा रहे हैं वो, देखें से प्लाई जैसी कंपनी जो कि कैलकाटा बेस्ड ही है, सेंचुरी प्लाई जो कि अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पर बहुत बड़े केपेक्स हैं, तो ऐसे चुनिंदा जहाँ पर केपेक्स हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है कि ज्यादा हो सकती है, उस जगह पे जरूर आपको ध्यान, नॉट ओनली एट दिस लेवल, जैसे भी बताया जाए आपको, तो 10-15% लें, वॉच करें, जैसे ही करेक्शन होता है वहां पर और ज्यादा ऐड कर सकते। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई कुछ ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आप मौके देखिए। और इसी तरह इस हफ्ते और आज के लिए कहाँ मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत ही अहम हफ्ता है, फेड बैठक का फैसला आने वाला है। तो फेड बैठक से पहले किस तरह से बाजार में स्ट्रेटेजाइज करना है, और बाद में भी आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर अदानी ग्रुप के शेयरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाई बीटा नेचर इनका रहता है। पिछले हफ्ते हमने देखा, शुक्रवार को फिर से एक खबर आई कि एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की ओर से एक नया ट्वीट आता हुआ दिखा, जो कि इनके स्विस बैंक में जो कुछ खाते हैं वो फ्रीज होने की बात की गई है। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में किस तरह से स्ट्रेटेजी करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हमने देखा कि इसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहे थे फ्राइडे के सेशन में, 3% तक की गिरावट वहां देखने को मिली।
देखिए रिएक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखें कि पहली बार जो रिएक्शन हुआ था और अब जो रिएक्शन होते हैं, तो अब जो रिएक्शन है वो ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे क्या है कि अगर किसी भी चीज को आप बार बार कहोगे तो वो लाइट हो जाती है, मतलब चीजें, तो मार्केट भी उतनी गंभीरता से उन चीजों को नहीं लेता है। स्विस बैंक में मतलब ये सारी चीजें, जैसे कि मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो आरोप प्रतिरोप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस तरह की चीजें दिख रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उसमें इस पूरे ग्रुप ने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और बहुत सारी चीजें, एयरपोर्ट की बात कर लें आप, चाहे एनर्जी सेक्टर में बात कर लें, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, उन तमाम जगह पे, और पोर्ट की बात हो, और नॉट ओनली इन इंडिया, आप अगर देखें बाहर के देशों में भी काफी बड़ा उद्यम कर रही है कंपनी। मुझे लगता है कि जहां पर कैश फ्लो अच्छे हैं कंपनी अच्छा कर रही है। जैसे कि पूरे ग्रुप में अगर देख लें, अडानी पोर्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कैश फ्लो, मतलब जिसे कहते हैं कि कैश काउ बिजनेस, वो इनके पास है। दूसरी जो मुझे पसंद आती है इस ग्रुप में वो है अंबुजा सीमेंट, जो कि प्रमोटर है एसीसी की, और इसमें भी काफी बड़े एक्सपेंशन के प्लान हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी तरह की न्यूज हो, और वो अपॉर्चुन टाइम होता है कि आपने स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए चुनना चाहिए। और दूसरा है ग्रीन पावर में कंपनी की अडानी ग्रीन है, ये तीन कंपनियां मुझे लगती है। लेकिन अडानी ग्रीन चूंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, उसमें काफी सब्सटैंशियल करेक्शन, एटलीस्ट 30-40% करेक्शन जब तक ना हो, बस लक्ष्य में रखें कि ये कंपनी जब भी नीचे मिलती है तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। 10 गीगावाट के करीब का अभी प्रोडक्शन है, और 50 गीगावाट की बात कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स बहुत बड़ा एक्सपेंशन की बात है वहाँ पे, तो इन कंपनी को देखा जा सकता है। चलिए सर, आज प्राइमरी मार्केट के लिहाज से भी काफ़ी हैपनिंग डे रहने वाला है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस मच अवेटेड आईपीओ, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले जिस तरह का एक्शन हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ से पहले जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखा है, जिसमें आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर जो कि इनकी ही पेरेंट कंपनीज है उनमें देख लीजिए। पीएनबी हाउसिंग 1000 वाला 1200 हो गया, जीआईसी हाउसिंग में फ्राइडे को एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला, होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस, तमाम स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं। क्या ये लिस्टिंग के बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, या आपको लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन पर बजाज फाइनेंस लिस्ट हो रहा है अभी भी कुछ स्टॉक्स में दमखम बाकी है? देखिए मतलब कभी कैसा होता है कि अगर किसी भी सेक्टर की कोई बड़ी कंपनी या बड़े घराने की कंपनी, या फिर कह लें कि जिसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैलेंस शीट नेट एंड क्लीन हो, वहां पर अगर वो लिस्ट होती है तो आपको काफी थम्स अप मिलता है मार्केट के द्वारा, क्योंकि रिलेटिव वैल्यूएशंस भी बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जो कंपनी लिस्ट होगी उन्होंने वैल्यूएशन तो रिजनेबली वैल्यूएशन पे ले आया था, 3.2 प्राइस टू बुक पे लेकर आए थे। अगर आप मार्केट कैप टू जो है, अगर इनका एयूएम देखेंगे तो वहां पर तकरीबन जो है 2 टाइम्स पे आया था वो, तो मुझे लगता है कि वो अगर आप दूसरे से कंपेयर करें तो मतलब ठीक ठाक था। और चूंकि बजाज ग्रुप जाना जाता है अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इतना बड़ा बजाज फाइनेंस ही देख लें, वो 30% के आसपास की ग्रोथ होती है, इनके एयूएम में भी 25 से 30% की ग्रोथ अगर आप देखें 3-4 सालों में हुई है, तो बजाज इज नोन फॉर ग्रोथ। और अगर ये ग्रोथ होती है तो आप बुक वैल्यू को बहुत जल्दी कैचअप करते हो, और जितना भी गैप है वो जल्दी फिल करते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि चूंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा रहे थे कि डबल ऑलमोस्ट हो सकता है स्टॉक लिस्टिंग पे, तो डेफिनेटली एक बड़ी कंपनी आती है तो सारे लोग इसके साथ साथ जो है उनके भी री रेटिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरना चाहिए स्टॉक यहाँ से, बट बजाज कुछ दिन तक तो बच जरूर रहेगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, और री रेटिंग के लिए सारे कैंडिडेट हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है अभी तक की बाय एसेट, अगर आप कह लें लोन एसेट जो बुक है उनकी, उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, एचडीएफसी थी पहले लेकिन चूंकि वो मर्ज हो गई बैंक में, उसके बाद एलआईसी हाउसिंग का सबसे बड़ा जो है बुक है, और आई थिंक उसके बाद अब शायद ये होगी बजाज फाइनेंस होगी शायद। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की। सर, दूसरा नाम है पीएन गाडगिल का, पिछले हफ्ते आईपीओ बंद हो गया, 59 गुना के आसपास का रिस्पांस देखने को मिला। हालांकि इतना बड़ा रिस्पांस एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जिस तरह से ज्वेलरी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है उसका फायदा इस आईपीओ में भी साफ तौर पर दिखा है। टीबीजी तो फ्राइडे को भी आप देखिए 20% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ, बाकी भी स्टॉक्स कैचअप कर रहे हैं, चाहे आप रिलायंसेंस की बात करें, गोल्ड आयम की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स में तो लगातार रैली जारी है। कितनी और लंबी चलेगी सर ये रैली?
हाँ, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर आप देखें इंडिया में जो फॉर्मलाइजेशन जो सारी चीजें हो रही हैं और उसके साथ जो लोकल, ये चूंकि फ्रेगमेंटेड मार्केट था पूरे इंडिया में, आप देखें छोटे छोटे लोकल्स ज्वेलर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे ये जितने भी ब्रांडेड ज्वेलरीज आ गई हैं, और ब्रांडेड ज्वेलरी में सबसे बड़ी चीज है कि यूजर के लिए, अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो उसके लिए आपके पास डिजाइन्स बहुत अच्छी मिलती हैं अगर आप एक बड़े ब्रांड के पास जाते हो तो। और पहले वो ब्रांड जो है उतना ज्यादा मायने नहीं रखता था क्योंकि लोग लोकल काफी काम चल जाते थे, लेकिन अभी लोग ब्रांड कॉन्शियस और क्वालिटी के साथ साथ आप समझिए कि फैशन के ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, और जिसके कारण कि इन कंपनियों को काफी ट्रैक्शन मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये लोग मार्केट शेयर इनका गेन होगा। तो जितने भी मल्टी चेन जितने भी कंपनियां हैं उसमें मुझे लगता है कि कल्याण ने काफी अच्छा किया है इन दिनों, सेनको भी अच्छा कर रहा है लिस्टिंग के बाद, अच्छा किया है। और इसीलिए जो पीएनबी गाडगिल है जो कि आप सुने कि महाराष्ट्र रीजनल था, लेकिन वहां से भी कंपनी आईपीओ में अगर देखेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री को तो बोल रहे हैं कि दे विल बी गोइंग आउट ऑफ द स्टेट। तो एक इनके लिए काफी बड़ा मार्केट है जहां पर कि ये जा सकते हैं, फैल सकते हैं, और डिमांड अभी भी एज इट इज है डिस्पाइट कि इतना बड़ा बढ़ चुका है पहले की प्राइसेस में। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है वो सेक्टर के लिए काफी अच्छा है और इसमें आने वाली कंपनियों के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन होना चाहिए और कंपनी को भी अच्छा करना चाहिए। चलिए ठीक है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है सर यूएस में रेट कट होने वाला। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, डिबेट इस बात को लेकर नहीं है कि रेट कट होना या नहीं होना है, कितना होना है, क्वांटम क्या होगा, क्या 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, इसी के ऊपर पूरा दारमदार है। तो रेट कट सर जो होने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट आ जाएगा बुधवार की शाम को यूएस में, हम गुरुवार को इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो एक तबका बाजार का ये मान के चल रहा है सर कि बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसी को इसका फायदा होता हो देखेगा। अगर ऐसा है, कोई एनबीएफसी जो आपको लगता है कि रेट कट की ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी, जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? तो आपने सही कहा कि अगर जब कभी भी रेट डाउन साइकिल में जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो बैंकों से ज्यादा एनबीएफसी से होता है, क्योंकि एनबीएफसी अल्टीमेटली बैंकों से लोन लेती हैं, उनके लोन का एक बड़ा पोर्शन जो है वो बैंक से आता है, इवन एनसीडी के थ्रू भी आता है या फिर मार्केट बोरोइंग कर लेते हैं, लेकिन लार्जर चंक बैंक से आता है। बैंक अगर सॉफ्टन करता है अपने रेट को तो एनबीएफसी का यूनिट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी अच्छा हो जाता है और उसमें बेनिफिशियरी वो होते हैं। अब देखिए कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, तो काफी हैं इसमें, अगर आप देख लें चोलामंडलम सुंदरम, दूसरी चीज अगर मुझे लगता है कि श्रीराम जो कि अभी सिटी यूनियन के साथ मर्ज हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो हुआ करता था, जो श्रीराम फाइनेंस है वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, ये तमाम कंपनियां हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि काफी ट्रैक्शन होना चाहिए, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल इज वन व्हिच आई एम लुकिंग एट। चलिए, तो श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंशियल, इनमें ज़्यादा ट्रैक्शन देख सकता है और बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसीज को रेट कट का ज़्यादा फायदा होता हो दिखेगा। रेट कट की जहाँ तक बात है सर, हमने बैंकों की बात कर ली, हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात कर ली, क्योंकि होम लोन सस्ता होगा, ऑटो लोन सस्ता होगा। तो ऑटो लोन की अगर हम बात करें, ऑटो सस्ते होंगे या होम लोन ऑटो लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा, तो ऑटो से ज़्यादा ऑटो एंसिलरी शेयरों में ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी देखें, सुब्रोस, गैब्रियल, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जमुना ऑटो, छोटे छोटे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में कोई आपकी चॉइस सर? देखिए ऑटो एंसिलरी में सच मैंने अभी तो कोई देखा नहीं है कि कहाँ पर देखना चाहिए। मतलब मदरसन सुमी वायर बोल की एक कंपनी है जिसमें कि थोड़ा मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, बट ऑफ लेट मैंने देखा नहीं है। तो वहाँ पर दिख रहा था कि रिजनेबली अपॉर्चुनिटी साइज है, तो वो डेफिनेटली अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। चलिए ठीक है सर। एक और तबका सर बाजार में जो कि बहुत एक्टिव हो रहा है, वो है ब्रोकिंग हाउसेस के शेयरों का। एडलवाइज देखिए सर, फ्राइडे को भी दमदार रैली स्टॉक में देखने को मिले, आईएफएल फाइनेंस भी काफ़ी तेज था, जियोजीत, मोतीलाल हुआ, बीएससी फॉर दैट मैटर आप देखिए 2800-2900 के आसपास आ गया। इसमें सर एक और चीज़ मेरा सवाल है कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एनएससी को सेबी से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी, जो कोलोकेशन मामला था उसमें इनको बरी कर दिया गया है, इनको पूरी तरह से उससे फ्री कर दिया गया है। तो क्या उसका इम्पैक्ट बीएससी के स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा, और ब्रोकिंग स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिएगा? तो मुझे लगता है कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर एनएससी को गो अहेड मिल जाता है लिस्टिंग के लिए तो डेफिनेटली पैरेलल बीएससी भी काफ़ी उससे लाभान्वित होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीएससी के वैल्यूएशंस एनएससी से ज़्यादा हैं, तो अभी मुझे लगता है एनएससी ज़्यादा जो है वहाँ पर हैपनिंग होगी। लेकिन अगर आप ब्रोकिंग फर्म की बात कर रहे हैं कि
ब्रोकिंग फर्म का जो मैक्सिमम इनकम है वो आपको एफएनओ सेगमेंट से आ रहा है, और एफएनओ पे अभी कुछ चीजें जो है ऑन अर्ली स्टेज है, क्या चीजें हो सकती हैं, मार्केट कैसे पैन आउट होगा, और सेबी जो कि रेगुलेटर है उनकी तरफ से क्या चीजें आती हैं, क्या शिकंजे कसे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इनकम जो है लोग जो खो रहे हैं अपनी कमाई, तो वो खो रहे हैं एफएनओ में, सेबी की रिपोर्ट के अनुसार ही अगर आप देख लें तो वहां पर सेबी अगर कुछ करती है तो इनके इनकम गिर सकते हैं। और अगर एक्सचेंजेस में भी अगर आप देखें संदीप जी, तो मतलब 80% इनके इनकम एफएनओ सेगमेंट से ही आते हैं, जितने ब्रोकर हैं उनके भी, चूंकि मतलब पूरा इतने ज्यादा इन्होंने एफएनओ के प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, हर रोज एक्सपायरी है, मतलब जैसे हम लोग मजाक में कहते थे खेलो इंडिया खेलो हो चुका है ऑलरेडी। तो मतलब आप खेल रहे हो लेकिन क्या वास्तव में पैसे बनते हैं, तो सेबी की रिपोर्ट एकदम सामने है और बताती है कि आप पैसे तो नहीं बना रहे हो। एक्साइटमेंट जरूर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, एक बज क्रिएट हो रहा है, एक्साइटमेंट है, लेकिन पैसे कहाँ बन रहे हैं उसमें, सर पैसे नहीं बन रहे। मैं माफी चाहता हूँ, जी आपको रोक रहा हूँ सर, लेकिन जो ट्रिगर है ना वो सेबी से ही आ रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि सेबी बहुत जल्द इनको कर्ब करने वाला है, रूल्स काफी टाइटनिंग होने वाली है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन बाजार में अलग खेल हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं खेलो इंडिया खेलो, खेल ये हो रहा है कि जैसे ही जो सेबी चीफ हैं माधवी पुरी बुच, उनको लेकर कोई भी शिकंजा कसता है या कोई भी नई खबर आती है या उनकी चुप्पी बनी हुई है, उनके ऊपर कोई भी नया आरोप लगता है, तो ये ब्रोकिंग हाउसेज के स्टॉक्स एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इन एंटिसिपेशन कि अगर सेबी चीफ वीक होती हैं, उनकी ओर से ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कड़े फैसले नहीं आएंगे, तो इनके ऊपर जो शिकंजा कसने वाला है या शिकंजा कसा जा सकता है वो नहीं कसता वो दिखेगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि आप अगर जो है आप जाएं जो कि सेबी के जो मूलभूत तत्व हैं, मतलब कोई भी हो वहां पर लीडरशिप कोई भी हो, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि फर्ज करते हैं कि नहीं रहती है मैडम, तो कोई और आके रहेगा, तो आप तो नियम नहीं बदल सकते। जैसे कि जो जो कि उन्होंने जो कि फाइंडिंग है सेबी की कि लोग लॉस कर रहे हैं, वो थोड़े बदला जा सकता है। हाँ चेहरा जरूर बदल सकता है, थोड़े दिन की आपको जो है रियायत मिल सकती है, हो सकता है कि जब तक ट्रांजिशन फेज हो, तो अदरवाइज जो फैक्ट इज फैक्ट, तो जो फैक्ट फाइंडिंग है वो है और उस पर काम करना चाहिए। और मुझे काफी आश्चर्य होता है कि सेबी ये बात कहती है कि आपने एफएनओ में कम देखना चाहिए, एक्सचेंजेज वहीं पर प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ब्रोकर के पास जाकर काफी मतलब प्रोसेसिंग करते हैं उस चीज की कि ये प्रोडक्ट्स हैं इस पर काम करिए, ऑप्शंस पे फ्यूचर्स पे, तो पैसे तो बनते नहीं, तो ऐसे प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं, क्योंकि केवल वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ट्रांजैक्शंस के जो लाभ होंगे, मतलब सेबी अगर एक्सचेंज की तरफ से आप देख लें तो वो तो जीरो सम गेम है उनके लिए, लेकिन इन लियो हम तो ट्रांजैक्शन चार्जेस देते हैं जिसका लाभ एक्सचेंज को ब्रोकर को होता है। इसमें इस पूरे सिस्टम में सरकार पैसे बना रही है एसटीटी, एक्सचेंज पैसे बना रही है इन फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज कमा रहे हैं, लूज कौन कर रहा है पूरे सिस्टम में, जो लूजर है वो है ट्रेडर, या कह लें कि इसमें जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं रिटेलर वो लोग लूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर सेबी ऐसी देख चीज देखती है तो ठीक है, ये कुछ लोगों को बातें अच्छी नहीं लगेंगी लेकिन वास्तविक चीज तो यही है। थोड़ी समय की कमी है सर, लास्ट एक टेक दे दे अगर आपकी, ये जो ब्रोकिंग हाउस इसमें तेजी हो रही है, इसमें एंजॉय करें या फिर मुनाफा वसूली कर लें, जैसा से आप कह रहे हैं कि नियम कड़े हो सकते हैं? ठीक है, नियम कड़े हो सकते हैं तो आप मतलब राइड द टाइड कर सकते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने राइड द टाइड कर लेना चाहिए, जबकि फ्लेवर है जो मार्केट में वो रखना चाहिए, बट लेकिन इस चीज को ध्यान रखें कि रेगुलेटर की नजर है, और अगर कभी भी कोई चीजें आती हैं तो वो बैकफायर भी हो सकता है। चलिए ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे इस हफ्ते के लिए और आज के लिए, कोई स्टॉक्स जो नियर टर्म में आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं? आपने कैसे काफी सारे स्टॉक्स की बात तो वैसे करी है पहले भी। देखिए सच तो मैं मतलब एक हफ्ते के लिए तो हमेशा कभी भी स्टॉक नहीं देखता हूँ कि इस हफ्ते क्या होना चाहिए अगले हफ्ते क्या होना चाहिए, मैं ये देखता लॉन्गर हूँ टर्म कि के लिए लंबी सर, अवधि, हाँ लंबी अवधि के लिए क्या देख सकते हैं, तो वहां पर जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं उसमें स्टार सीमेंट एसजेवीएन आप देख लें, दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनियां जो कि काफी बड़ा कैपेबिलिटी बिल्टअप कर चुकी हैं, थोड़ा सा लीडरशिप चेंज होने के कारण हमने थोड़ा ब्लिप देखा था, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस तरह से वेदर मतलब काफी हीट हो रहे हैं सारे जगह, पूरी ग्लोबल जो है वार्मिंग है उसमें जो एयर कंडीशनर्स की गैसेस बनाती है कंपनी, वहां पर देखा जा सकता है, और लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखें,
बड़ी कंपनियों में नेस्ले मुझे काफी अच्छा लगता है कि किसी भी गिरावट में मुझे लगता है कि इस कंपनी को रखना चाहिए। ओके, तो कोई एक्सपेक्टेड टारगेट सर आपके कब होल्ड करना है, कितना अपसाइड आ सकता है कुछ ऐसा? देखिए, इन जितने भी कंपनियों की हमने बात की है और इन्होंने जो कैपेबिलिटीज बिल्टअप करने के लिए पैसे लगा रही हैं और जो सोच रही हैं वो तकरीबन 2 गुना से ज्यादा मेहनत कर रही हैं करने की। तो लंबी अवधि में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि कोई भी कंपनी अगर उनकी इनकम 2 गुना होती है तो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली उससे ज्यादा होते हैं। बट टू बी मोर कंजर्वेटिव, अगर आप उससे कम का भी टारगेट लेकर चलें तो आई थिंक इट विल बी फेयर टू अज्यूम कि वो अचीव कर सकता है। बट प्रोवाइडेड मतलब आपको पेशेंस रखना होगा और लंबी अवधि के लिए निवेश में। चलिए, लंबी अवधि में 2 गुने भी हो सकते हैं स्टॉक, जहाँ पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो स्टार सीमेंट, SJVN, यहाँ पे तो 10 टाइम्स से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन जो कि गैसेस बनाते हैं रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होने वाली, और नेस्ले जो कि बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, अभी तक का ऑल टाइम हाई लेवल पर इनका केपेक्स चल रहा है। ये कुछ 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सारे स्टॉक्स पर अपनी राय शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जो है SJVN, स्टार सीमेंट, ये दोनों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में हैं तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। लेकिन आप कभी भी, आपके निवेश जो भी दर्शक हैं, कभी भी किसी कंपनी में निवेश करें तो जो भी अपॉर्चुनिटी शोकेस की गई है उसके बारे में ठोक बजा कर देखें, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई है, आपके पैसे लगते हैं, तो आपने काफी ज्यादा उस पर जो है ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, उसके बाद ही पैसे लगाना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, और जो फेड का फैसला आने वाला है उससे आपके पोर्टफोलियो में भी 4 चांद लगे, इसी उम्मीद के साथ हम आपको विदा करते हैं। तो क्या खरीदें क्या बेचें, मैं आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए खास कार्यक्रम लेके आते हैं, जुड़ना मत भूलिए। क्योंकि विदेशी बाजारों में किस तरह के संकेत आ रहे हैं वो आपको बताते हैं, उसके साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स पर भी उनका खास फोकस रहता है। तो सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़िएगा जरूर। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, उम्मीद करते हैं ये दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और ये पूरा हफ्ता क्योंकि फेड बैठक का फैसला आ रहा है आपके लिए काफ़ी शुभ, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। को पावर्ड बाई टेक्नो।